सीतापुर पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र का मेगा इंटरव्यू। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जाने के बाद ग्रामीणों में भारी दहशत है। ग्रामीण खेतों की तरफ जाना तो दूर रहा, घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंचती तो है, लेकिन खाना पूर्ति करके वापस लौट जाती है। दरअसल गुरुवार की रात पिपरी गांव में ढिल्लू ने अपनी गाय को चारा खिलाने के बाद घर के बाहर बांध दिया था। सुबह जब बाहर देखा तो गाय के एक साल के बच्चे का कंकाल पड़ा मिला। इसी गांव की कुछ दूरी पर स्थित पीतपुर गांव के खेतों में भी जंगली जानवर के पगचिन्ह के निशान देखे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्बुआ गांव में जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे गए थे। उस समय लखनऊ से वन विभाग की एक टीम आई थी और खेतों में कॉम्बिंग करने के बाद वापस चली गई थी। क्षेत्र के नवा महमूदपुर में भी जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह तेंदुआ है या कोई अन्य जंगली जानवर, इसका भी पता वन विभाग नहीं लगा पा रहा। आई इंडिया के कचनार संवाददाता धनंजय यादव ने मौके पर पहुंचकर कमलेश मिश्रा, अरविंद ढिल्लू आदि ग्रामीणों से बात की। देखे ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट। हुआ एक कल शाम को हमने रात में एक मतलब सभी जानवरों को खवा पिया के बांध दिया 9 बजे तक खवा पिया। उसके बाद में पूरी तरह से जंगली जानवर, उस एक साल का लीचर था, उसको खा गया पूरी तरह से। मतलब उसमें कोई मतलब रखा नहीं कुछ, बिल्कुल पूरी तरह से खा गया। जंगली जानवर का पता नहीं चला कौन सा जानवर था वो? जानवर सर हम नहीं पता चला कौन जानवर था सर। कल जब इधर स्कूल के पास हम लोग खेत की तरफ घूमने आए तो वहाँ पे कुछ जंगली जानवर जैसे तेंदुआ वगैरह, शेर बाघ जैसे निशान वहाँ प्रतीत हुए और उससे डर सबको, हम सबको भयभीत है कि हम लोग खेतों में जाने से हम लोग डर रहे हैं और गांव की जनता जो है बहुत परेशान है और इससे डरी हुई है। इसकी अभी निशान पाए गए हैं। यहाँ कल दिनांक 10 तारीख को लोगों ने सुबह जब अपने खेत में कोई खाद डाल रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था, काम कर रहे थे, तो देखा कि किसी जंगली जानवर के पगचिन्ह, बड़ा टाइप का पंजा बना हुआ है। तो लोगों ने चर्चा की, फिर गांव के लगभग सब लोग गए देखा जा करके, तो देख के प्रतीत हुआ कि यहाँ कोई जंगली जानवर शेर या बाघ टाइप का जो है जिसके पगचिन्ह बने हुए हैं और जिससे गांव के लोग भयभीत हैं, खेत को जाने से डर रहे हैं और इधर उधर गन्ना भी बहुत लगा हुआ है, तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जानवर को किसी ने नहीं देखा लेकिन पगचिन्हों से प्रतीत होता है कि कोई तेंदुआ या शेर इस टाइप का ही जानवर है। हमारी मौजूदगी इस समय जो है अहलिया ब्लॉक के पीतपुर गांव में है, जहां पर जो है जंगली जानवर के खेतों में पगचिन्ह देखे गए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, आप देखिए जो है खेत गीला खेत है, यहां पे जंगली जानवर के पगचिन्ह बने हुए हैं और इस खेत से होके जो है जंगली जानवर निकला है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस क्षेत्र में करीब जो है 15 दिनों से जंगली जानवर देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व अभी जो है लखनऊ से वन विभाग की एक टीम भी आई थी जो पड़ोस में गाँव पड़ता है अम्बोवा, जहां टीम के द्वारा फोटो पगचिन्ह के फोटो लेके टीम वापस चली गई थी। उसके अलावा जो है यहां से कुछ दूरी पे जो है नवा महमूदपुर गांव पड़ता है, ढोलई खुर्द पड़ता है, वहां भी काफ़ी दिनों से जो है जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जा रहे हैं और ग्रामीणों जो हैं काफ़ी भयभीत हैं। वन विभाग की टीम आकर सिर्फ फोटो खींच के वापस चली जाती है। इसके अलावा अभी तक वन विभाग की टीम के द्वारा ये पता नहीं लगाया जा सका है कि ये कौन सा जंगली जानवर है। इमलिया सुल्तानपुर से इंडिया के लिए धनंजय सिंह यादव। सीतापुर पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र का मेगा इंटरव्यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।